हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति आपका फिर से स्वागत करती हूँ अर्थिंग के चैप्टर में। तो अभी तक हम अर्थिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट अर्थिंग के बारे में। तो यहाँ मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी प्लेट अर्थिंग का सिस्टमेटिक डायग्राम है। प्लेट अर्थिंग भी हमारी कॉमन अर्थिंग होती है। इसमें हम दो टाइप के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, एक तो GI गैल्वनाइज्ड आयरन और कॉपर। अब आजकल होता क्या है कि कॉपर महंगा होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर जो अर्थिंग की जाती है वो GI की जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लेट लेंगे एक, तो प्लेट की साइज़ होगी हमारी 60 × 6 mm। ये हमारी थिकनेस होगी GI प्लेट के लिए, ठीक है, ये होगी GI प्लेट के लिए। और अगर हम कॉपर प्लेट लेते हैं, इसमें ये जो हमारी अर्थ इलेक्ट्रोड है वो कॉपर प्लेट लेते हैं, तो उसकी होगी लंबाई और चौड़ाई होगी 60 cm × 60 cm, और इसकी जो मोटाई होगी वो होगी 3 mm, ठीक है, वो होगी हमारी कॉपर प्लेट के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, जैसे ही हमने पाइप अर्थिंग में पढ़ा था सेम उसी तरीके से यहाँ पे है, ये हमने यहाँ पे प्लेट। अब प्लेट को हम कैसे रखते हैं, इसमें नीचे गड्ढा खोदते हैं हम थोड़ा गहरा, और उसके जैसे डिपेंड करता है गड्ढे की गहराई की अपना सॉइल रजिस्टेंस, सॉइल का रजिस्टेंस कितना है, ठीक है, सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। गड्ढा खोदेंगे और इसको हम अंदर गाड़ देंगे, और इसको हमेशा वर्टिकली गाड़ते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारी GI प्लेट है, ये 6 mm GI प्लेट है। इसकी देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो 60 cm इसकी लंबाई, इस चौड़ाई इसकी ये है, ठीक है, और 6 mm की इसकी थिकनेस है, इसकी मोटाई है वो 6 mm है GI प्लेट के लिए। तो क्या हम इसको ऐसे गाड़ सकते हैं, नहीं, हम जब अर्थिंग करते हैं प्लेट अर्थिंग में तो प्लेट को कभी ऐसे नहीं गाड़ते, इसको प्लेट को हमेशा ऐसा गाड़ा जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक बता रखा है, ये देखिए इस तरीके से ये दूसरा पाइप लगाया जाता है, ये पाइप है हमारा जिससे हम ऊपर कॉन्क्रीट वर्क करते हैं, ठीक है, सीमेंट और कॉन्क्रीट वर्क करते हैं, ये ऊपर जाता है, इसमें होके हम पानी डालते हैं। पानी कब डालेंगे, जब ड्राई सीजन होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ से ऊपर से पानी डाल देते हैं। तो इसके ऊपर फनल लगा होता है, और एक हमारा साइड में से एक पाइप और निकलता है, तो उसमें से क्या, ये भी यहाँ पे नट वोल्ट और शावर और थिम्बल के थ्रू यहाँ कनेक्टेड होता है इस प्लेट में, और इस प्लेट को ज़मीन में इस तरीके से गाड़ा जाता है। और इसके चारों तरफ हम चारकोल और सॉल्ट की 15 cm की हम लेयर लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये ग्रीन कलर का क्या है, ये ग्रीन कलर का निकल रहा है हमारा अर्थ वायर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अब ये कनेक्ट कहाँ होगा हमारा, यहाँ समझ में आ रहा है आपको, एक पाइप तो हो गया अपना पानी डालने के लिए, एक पाइप हो गया जिसमें से अर्थ वायर यहाँ कनेक्टेड है प्लेट के, और प्लेट हमेशा ऐसे गड़ेगी हमारी वर्टिकली पोजीशन में, ठीक है। ये निकलेगा, तो ये निकल के कहाँ जाएगा हमारा, तो हमारा ये 3-pin प्लग होता है, ठीक है, तो ये अर्थिंग वायर होता है, तो इसमें ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा अर्थिंग कंप्लीट हो जाएगी। या फिर हमारी ये कोई मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, और ये मोटर की हमारी ये बॉडी से यहाँ पे टच हो जाएगा, तो ये हमारी प्लेट अर्थिंग है पूरी। अब हम डायग्राम में और समझते हैं, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर रखा है, और जो हम प्लेट को ज़मीन में गाड़ दिया। अब प्लेट में क्या है, ये ज़मीन में चारों तरफ कोयले और नमक के, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि नमक और कोयले की कितने मोटी लेयर लगाते हैं, तो मिनिमम 50 cm की लेयर होनी चाहिए प्लेट के चारों तरफ नमक और कोयले की, फिर उसके बाद उसको करते हैं। अब यहाँ देखो, ये प्लेट है हमारा, ये ए से क्या डिनोट किया गया कि इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे इसको कनेक्ट किया गया, ये एक पाइप है हमारा जो कहाँ कनेक्टेड है, 19 mm GI पाइप, GI पाइप है कितने का, 19 mm का GI पाइप, 19 mm डाया का, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया फनल से। फनल से क्या करेंगे, यहाँ पे सीमेंट एंड कॉन्क्रीट वर्क कर रखा है, ठीक है, तो इसमें से जब भी ड्राई सीजन होगा इसमें से हम पानी डालेंगे। पानी डालने का मतलब क्या होता है हमारा, अल्टीमेटली कि नमक और कोयला इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे रेजिस्टेंस को कम करना, ये हमारा अल्टीमेटली पानी डालने का रीजन होता है, ठीक है। अब एक हमारा ये कनेक्टेड है यहाँ पे 12 mm GI पाइप, 12 mm डायमीटर का एक GI पाइप यहाँ कनेक्टेड है, इसमें से आता है हमारा अर्थ वायर जो ग्रीन कलर का होता है, जो कनेक्टेड होता है हमारे एपरेटस अप्लाइंसेस वगैरह से, ठीक है। तो इसको यहाँ किससे कनेक्ट किया जाता है, नट वोल्ट वॉशर और थिम्बल के थ्रू। अब ये आप चीज़ देखो कि ये मटेरियल, जिस मटेरियल की हमारा ये अर्थ इलेक्ट्रोड होगा उसी मटेरियल के नट वोल्ट शावर और थिम्बल होंगे। सपोज करो कि ये कॉपर का है, तो नट वोल्ट एंड ये सारे, ये वाला पाइप हमारा
ये वाला पाइप सब हमारे कॉपर के होंगे, अगर ये हमारा जीआई का है तो जीआई के होंगे, सेम मटेरियल के होने चाहिए। इन शॉर्ट ये है मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हमने लेयर कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फनल है हमारी, ठीक है। अब वो जो हमारी पाइप अर्थिंग थी उसमें हमारा जो अर्थ वायर होता था वो कहाँ कनेक्टेड होता था, यहाँ फनल पे नट वोल्ट लगे होते थे या लग लगाया जाता था और उससे कनेक्ट करते थे। यहाँ पे कनेक्टेड है अर्थ वायर, कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ नीचे से कनेक्टेड है अर्थ इलेक्ट्रोड में, ज़मीन से ही आ रहा है इसमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसके 15 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट वर्क किया गया है मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, और फनल में यहाँ पानी डालने के लिए। ये सीआई कवर है, कास्ट आयरन कवर है, ये सीआई फ्रेम है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये जो दिख रहा है ये ग्राउंड लेवल है अपना। तो इसकी ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई। यहाँ पे इसको रखा हुआ है 30 × 30 लंबाई है, 30 इसकी चौड़ाई है, 30 लंबाई 30 चौड़ाई है। यहाँ पे देखिए ये 70 है, यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई 70 है, और यहाँ नमक कोयला अपन ने डाल ही रखा है, ये 60 है। और जो अंदर हम ये प्लेट लेते हैं तो मिनिमम जो इसको गाड़ने का वो होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से कम तो गाड़ना ही नहीं होता है। तो बाकी जो गहराई है वो किस पर डिपेंड करेगी, सॉइल की कंडीशन पे। तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है प्लेट अर्थिंग के बारे में। अब एक चीज़ है जो हम पढ़ लेंगे, वो क्या है कि जो प्लेट अर्थिंग है उसका अर्थ इलेक्ट्रोड की डिज़ाइन, तो मैं एक बार इसको आपको और बताती हूँ, अर्थिंग है जो उसका अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ प्लेट इलेक्ट्रोड, तो इसके क्या करेंगे, तो इसका जो डिज़ाइन करते टाइम हम इसका जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा होगा रो पाई अपॉन में 4√a। ये हमारा इस तरीके से हम अर्थ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके केस में, प्लेट अर्थिंग के केस में, ठीक है। रो क्या है, हमारी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल, सॉइल की रेजिस्टिविटी है मिट्टी की, रो हमारा सॉइल की रेजिस्टिविटी है। एंड एरिया क्या है, हमारा जो अर्थ इलेक्ट्रोड है इसका दोनों साइड का जो एरिया है वो ए को डिनोट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो प्लेट अर्थिंग है उसका अर्थ इलेक्ट्रोड डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अब ये हमारा पूरा प्लेट अर्थिंग का सिस्टम यहाँ पे फिनिश होता है कि प्लेट अर्थिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या हम यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट